सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बांदीकुई द्वारा आज विश्व पक्षी दिवस के अवसर पर पक्षियों के लिए परिंडा अभियान की शुरुआत गांधी पार्क में दोपहर 2 बजे विधायक जीआर खटाना के द्वारा परिंडा लगाकर की गई। इन परिंडों पर कोरोना महामारी, पर्यावरण, दहेज प्रथा उन्मूलन, बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान आदि के संदेश लिखे हुए हैं। इसके साथ ही स्काउट गाइड संगठन की ओर से 800 मास्क भी तैयार कर वितरण करने के लिए सौंपे गए हैं। वहीं स्काउट गाइड द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता में भी भाग लिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष अशोक काठ, पूर्व पार्षद सुरेश शाहरा, बीएन जोशी, प्रधानाचार्य प्रभुदयाल गुर्जर, स्थानीय संघ सचिव गोवर्धन लाल मित्तल, सहायक सचिव सीताराम जांगिड़, दुली चंद गुर्जर, सुरेश चंद शर्मा, कुलदीप शर्मा, कोषाध्यक्ष कृष्ण अवतार खंडेलवाल, स्काउटर कैलाश चंद सैन, गाइडर उर्मिला शर्मा, गुलाब देवी मीणा, बबीता विजय, सरोज देवी शर्मा, रोवर लीडर राकेश कुमार मेहरा, रोवर सतवीर सिंह गुर्जर, रवि कुमार सहित अन्य स्काउट व रोवर्स मौजूद रहे। इसके बाद उपजिला कलेक्टर कार्यालय में भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर चौथमल मीणा एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा के द्वारा परिंडे लगाए गए। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड स्थानीय संघ बांदीकुई के द्वारा विश्व पक्षी दिवस के अवसर पर बांदीकुई परिक्षेत्र में पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में ठंडे जल की पानी की व्यवस्था हेतु 200 परिंडों के लगाने की आज शुरुआत की जा रही है। माननीय विधायक महोदय सम्मान्य श्री गणराज जी खटाना साहब के करकमलों के द्वारा इसी उपलक्ष्य में जो इस समय महामारी चल रही है उस महामारी के लिए स्थानीय संघ बांदीकुई की ओर से 800 मास्क कपड़े के सिलवा करके और वितरित करने का लक्ष्य हमने रखा है, जो आज प्रशासन को हम अपने हाथों से सौंप रहे हैं। इसके साथ ही हमारे स्काउट्स के रोवर्स और स्काउट्स लगातार 25 मार्च से और लगातार बांदीकुई में अनवरत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।